स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या हुआ धवल जी? किंजल जी, फई ने मेरी बनियान की दुकान बेचने के लिए किसी ब्रोकर को फोन किया था। वो तो संजोग से मेरा दोस्त निकला, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। भैया पैसे कैसे कर सकती? अरे तो एमाशु थयू, हाँ वैसे भी दुकान फालतू में बंद पड़ी है, अगर थोड़े पैसे आएंगे तो सबके काम आएंगे। फई आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है मैंने कितनी मेहनत से बनियान की दुकान खड़ी की, पर आप एक इसे बेचना चाहती? दुकान तो तूने खड़ी कर दी, पर अपने आप को अभी तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया। वैसे भी कमाई तो कुछ होती नहीं है दुकान से, उल्टा अलग से साफ सफाई का खर्चा देना पड़ता है। फई जो कुछ भी हो हम मैनेज करके आपको पैसे दे तो देते हैं ना। और एक बात मत भूलिए, ये जो आपका ठाट बाट है, पहनना ओढ़ना है, ये मेरे ही घर से आता है। साथ निभाना साथिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरी पीठ के पीछे। कभी कहते हैं कि सभी मिलजुल कर चलचित्र देख रहे हैं, तो कभी आंगन में मिल रहे हैं। अहम के पापा भी मुझसे कुछ नहीं कहते। काकी के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। तू कब से काकी जी के लिए प्रार्थना करने लगी? और वो भी इतनी रात को। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं नानी काकी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, तो अगर मंदिर गई थी तो प्रसाद कहाँ है? वो मैं जब तक मंदिर पहुंची प्रसाद खत्म हो चुका था। झूठ बोल रही है। सच सच बता क्या चल रहा है, तो आखिर क्या कर रही है? और मैं जानती हूँ तू मंदिर मंदिर कुछ नहीं गई थी, कहीं और ही गई थी। बता कहाँ गई? राशि में। मैं जानती हूँ तेरे मन में जरूर कोई खोट है, इसीलिए इतनी रात को मेरे पति के आसपास मंडरा रही थी। बहन आप ऐसा क्यों सोच रही है? देख मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो अपनी सगी बहन के पति के साथ शादी करने को तैयार हो सकती है, तो तू तो मेरे पति के साथ कभी भी शादी कर लेगी। मुझे तुझ पर रद्दी पर भी भरोसा नहीं। राशि बहन मेरी बात तो सुन। नहीं देख तू जानती है काकी जी की याददाश्त चली गई, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो तेरी शादी हसमुख से कराएंगे, मतलब जिगर जी से। लेकिन देख मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, तुझे तो मैं। राशि ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, किस शोर शराबे से अगर काकी जी उठ गई ना, तुम जानती हो कि क्या होगा।
हाँ ठीक है। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा ना। तानी इतनी रात गई महारानी कहाँ से वापस आ रही, लेकिन जरूर कोई गड़बड़ है। वो मैंने सोचा था कि सोने से पहले मैं एक बार आपसे मिल लूं। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशा, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्या ये तुम क्या देख रही हो? मैं एक वर्ड का मीनिंग देख रही थी पर मिल ही नहीं रहा। आप ही देखो ना मीरा दीदी, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। पर विद्या तो कौन सा वर्ड ढूंढ रही है? फिर कल रात को जब मम्मा पापा के रूम से निकली तो पापा ने बोला, अपने कान्हा जी पर इतना फिट कैसे है? तो बस मैं फिट का मतलब ही ढूंढ रही हूँ। बस तभी से मैं ये सोच रही थी कि हम सबको मिलके मम्मा पापा की दोस्ती करवानी चाहिए। पहले मम्मा को पापा के सवाल का जवाब देना होगा, है ना? अगर पापा को जवाब चाहिए तो माँ और पापा की बातचीत करवाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पापा ही तो माँ से सवाल करना चाहते हैं। फिर तो अभी से ही मम्मा पापा के आपस में बातचीत करवाने का हमारा काम शुरू। हाँ। आपका बीपी काफी हाई है, ज्यादा से ज्यादा आप आराम कीजिए। मैं कुछ दवाइयां आपकी चेंज कर रहा हूं, उन्हें आप टाइम पर लेते रहिएगा। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। फाई हिमांशु भाई को बेचने के लिए कहा है क्या? तो क्या हुआ धवल जी? किंजल जी, फई ने मेरी बनियान की दुकान बेचने के लिए किसी ब्रोकर को फोन किया था। वो तो संजोग से मेरा दोस्त निकला, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। भाई आप ऐसे कैसे कर सकती? अरे तो हिमांशु थयू, हाँ वैसे भी दुकान फालतू में बंद पड़ी है, अगर थोड़े पैसे आएंगे तो सबके काम आएंगे। भाई आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है मैंने कितनी मेहनत से बनियान की दुकान खड़ी की, पर आप एक इसे बेचना चाहती? दुकान तो तूने खड़ी कर दी पर अपने आप को अभी तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया। कमाई तो कुछ होती नहीं है दुकान से, उल्टा अलग से साफ सफाई का खर्चा देना पड़ता है। भाई जो कुछ भी हो हम मैनेज करके आपको पैसे दे तो देते हैं ना। और एक बात मत भूलिए, ये जो आपका ठाट बाट है, पहनना ओढ़ना है, ये मेरे ही घर से आता है। भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने बड़ी मुश्किल से और मेहनत से ये बिजनेस डाला है, ये मेरी रोजी रोटी। जानता हूँ कि मेरा काम अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा, पर ये आप मुझसे मत छीनिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। धवल जी, धवल जी, मारी मेहनत, मारी मेहनत। वर्षों से तारी दुकान बंद पड़ी थी, अगर कुछ कर रहा होता तो भी कोई बात होती, पर मेरे उर्मिला मेंशन में बेकार की जगह घेरे हुए है तेरी ये दुकान। I'm worried.
वो कुछ ज्यादा ही सोच विचार में डूबी है और ये उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर उनकी चिंता इसी तरह बढ़ती रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है उन्हें जो अभी याद है वो भी वो भूल जाए। मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो उन पर बहुत ज्यादा असर डाल रही हैं। पुरानी बातें उनको याद आ रही हैं। इन हालत में पेशेंट के दिमाग में बहुत कुछ धुंधला धुंधला चलता रहता है पर क्लियर नहीं होता है। वैसे क्या ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है जिससे वो ठीक से समझ नहीं पा रही? डॉक्टर, वो एक्चुअली हम सबको अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज मिली है और वो हमारी हमारी बेटी के बारे में। लेकिन ये बात हम काकी जी को नहीं बता सकते क्योंकि उनकी हालत भी ठीक नहीं है और ना ही उसके बारे में काकी जी को कुछ याद है। ठीक है, फिलहाल तो आप उन्हें इन सब बातों से दूर ही रखिएगा। और हाँ, मैंने उनकी दवाइयों का डोज थोड़ा बढ़ा दिया है, साथ ही इन मेडिसिन से उनकी याददाश्त वापस आने में भी हेल्प मिलेगी। ये दवाइयाँ उनकी एंजाइटी कंट्रोल करने में मदद करेगी जिससे उनके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपकी माताजी की याददाश्त वापस आ जाएगी। आई होप सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जिगर, तू जाके दवाइयां लेकर, डॉक्टर को मैं छोड़ आता हूँ। जी भाई। हेलो। हाँ राधा, बोलो। हेलो भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या राधा, अब क्या हुआ? भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि वो कुकिला मोदी की दवाइयाँ बदल रहा है। पूरी बात तो मेरी समझ में नहीं है, पर सारी बात का निष्कर्ष ये था कि उन दवाइयों से कोकी की सेहत में सुधार होगा और शायद जल्दी ही उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जरा सोचो राधा, अगर तुम वहाँ नहीं होती तो हमें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चलता? अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो कि हमें आगे क्या करना है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।